फ्रेंड, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास प्लस वन मैथ्स यूनिट वन एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली थ्री कंसेप्ट्स रहते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है एम्प्टी सेट, जिसके और भी टू नेम्स हैं, उसके नेम नल सेट और वॉइड सेट हैं। तो एम्प्टी सेट को हम बोलते क्या है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना आए, कुछ भी ना बने। फिनाइट सेट, फिनाइट सेट में सब कुछ लिमिटेड सा रहता है। अ सेट इज सेट टू बी फिनाइट इफ इट हैज फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आए, जैसे एक्स, सच दैट एक्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे हमारे पास 2, 4, 6, 8 एक लिमिटेड सा है, फिनाइट नंबर है, फिक्स नंबर है। अगर आता है इनफिनाइट सेट, अ सेट इज सेट टू बी इनफिनाइट इफ इट हैज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें इनफिनाइट बहुत सारे नंबर्स आए। तो अब हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। तो हमें एग्जांपल्स बताने नल सेट के, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। तो जो सेट होगा ऑड नेचुरल नंबर का, वो डिवाइड करेगा टू को या नहीं करेगा। तो जैसे ऑड नंबर होते क्या है, पहले तो 1, 3, 5, 7, ये टू को कभी भी टू इन सबको डिवाइड नहीं करेगा, तो नल सेट। इसमें कोई भी नंबर कंटेन नहीं कर रहे हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो टू इज इवन प्राइम नंबर, तो कंटेन कर रहा है, तो ये नॉट अ नल सेट है। थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन। पर यहाँ कंडीशन लगा दी कि एक्स से वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा। तो हमारे पास अब 5 के मुझे ज्यादा भी नहीं लेने हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और पर यहाँ पे क्या रहा है 7 से बड़ा, तो ये भी नल सेट होगा, कुछ भी नहीं आएगा। वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस में पॉइंट्स आएंगे क्या, कॉमन पॉइंट्स आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये भी क्या हुआ नल सेट। जो थर्ड क्वेश्चन रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट होता है फिक्स नंबर में, इनफिनाइट बहुत सारे। हमारे पास पहला रहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो मंथ्स देखेंगे फिनाइट है इनफिनाइट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं सबको पता है 12 है, तो फिनाइट सेट है, ये फिनाइट सेट रहेगा। 1, 2, 3 सो वन चला गया, इनफिनाइट हो गया। तो ये 1 से लेके 100 तक स्टॉप हो रहा है, दोबारा से क्या होगा फिनाइट सेट होगा ये भी। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो पॉजिटिव इंटीजर 100 से बड़े पॉजिटिव नंबर लिखने हैं, तो 100 के बाद 100 से लेके 1000 आ सकता है, 10,000, लाख, मिलियंस, करोड़, बहुत सारे आगे तक जा सकते हैं हम, तो ये इनफिनाइट सेट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो लेख हम सिर्फ जस्ट फिनाइट नंबर है, हमें प्राइम नंबर लिखने हैं 1 से लेके 99 तक। तो 1 जैसे प्राइम नंबर आ गया 2, 3, तो 99 से कम बारे लिख रहे हैं, तो फिनाइट सेट है। आगे वाला क्वेश्चन भी रहता है हमारे पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। तो हमें दोबारा से बताना है कि ये फिनाइट है और इनफिनाइट है। तो ये थोड़ा सा, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम एक जो लाइन है एक एक्स एक्सिस से कितने लाइंस पास कर सकते हैं, लाइंस कितने होंगे पैरेलल, तो इनफिनाइट बहुत सारे हो सकते हैं, हमें जो पता ही नहीं है कितने, जितने भी लेंगे उतने बन जाएंगे। अ सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो सबको काउंट करना बहुत आसान है, फिनाइट सेट है। द सेट ऑफ मल्टीपल्स, सॉरी द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 बहुत सारे हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल राइट करते रहो काउंटिंग में, जहां तक काउंटिंग रहेगी वहां तक होते रहेंगे, तो ये हमारे पास इनफिनाइट सेट रहेगा। आगे द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो लिविंग होंगे जो अर्थ के ऊपर, तो एनिमल्स हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, दैट इज अ फिनाइट सेट। ये बुक के ऊपर ऐसे लिख दिया है, तो जो एनिमल्स होंगे अर्थ के ऊपर वो हम काउंट कर सकते हैं, तो सारे के सारे जो काउंट करेंगे वो फिनाइट रहेगा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0, तो 0, 0 से भी हम बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं।
अब जो क्वेश्चन रहता है वो हमारे पास इक्वल सेट का रहता है, हाँ कि ये बराबर है कि नहीं है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट बी, सॉरी राइट। और ये क्वेश्चन हमें राइट कैसे करने, सिंपल सा जैसे क्वेश्चन राइट करोगे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो सिंपल सा हम इसमें लिखेंगे क्या, दैट इज अ फेनाइट सेट इक्वल्स टू, या इसके नीचे लिखोगे फेनाइट सेट, इसका भी ऐसे लिखोगे इनफेनाइट सेट। तो जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए हमने अभी तक, इसमें भी यही लिखेंगे फेनाइट इनफेनाइट नल सेट नॉट अ नल सेट, बस इतने से इनके आंसर्स हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो इक्वल्स टू का रहता है कि इक्वल है कि नहीं है, तो सिंपली हम ए इक्वल्स टू बी लिखेंगे और नॉट कट कर देंगे बीच से। तो पहले वाला तो दिख रहा है कि ए बी सी डी है, तो दूसरी वाली देख लो ए है बी है सी है डी है, दैट इज इक्वल, तो ये इक्वल सेट है, ए इक्वल्स टू बी इसका आंसर बनता है। हम राइट कैसे करेंगे वो बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर जो फोर है वो राइट कर लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में जैसे सेट लिखा है ए बी सी और डी, और जो दूसरे वाला है बी, बी लिखा है डी सी बी ए, तो हमें पता लग रहा है कि ए बी सी डी है, तो यहां पे क्या है ए बी सी डी, तो इसका आंसर होगा ए इक्वल्स टू बी। और जैसे ही नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही रहेगा, देख लेंगे सब लोग। जैसे ए के लिए फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन लिखा, तो फोर एट सिक्सटीन एटीन है, तो हमारे पास यहाँ पे सिक्सटीन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये नॉट होगा। अब नॉट कैसे लिखेंगे, जैसे ए नॉट इक्वल्स टू बी, ऐसे ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो इसके लिए ये आंसर है, सिंपल सा आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है ए के एलिमेंट्स दिया टू फोर सिक्स एट टेन, बी लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू टेन, तो हमें ये चेक करना है ये सेट है कि नहीं है, ए इक्वल्स टू बी बनता है कि नहीं बनता है, तो हम राइट। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर का हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर का हम थर्ड जो पार्ट है वो राइट कर रहे हैं ए इक्वल्स टू टू फोर सिक्स एट टेन, और जो बी रहता है वो लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इसमें वैल्यू दी थी हमारे पास टेन, तो हमें इसके बीच के जो नंबर्स हैं वो राइट कर लेने हैं, तो टेन भी आएगा, सारे के सारे इवन होने चाहिए और पॉजिटिव टू फोर सिक्स एट और टेन भी आ गया, तो अब ये कौन सा रहेगा, ये बराबर वाला रहेगा ए इक्वल्स टू बी, तो हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। आगे जो नेक्स्ट रहता है फोर्थ वो भी राइट कर लेते हैं ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ टेन, मल्टीपल ऑफ टेन, तो टेन के मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी सो ये चलते रहेंगे, ठीक है। सो ऑन का मतलब ये होता है कि आगे तक बढ़ता रहेगा सब कुछ, तो हमारे पास साथ ही में इसके जो बी लिखा है वो है टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी सो ऑन। तो अब ऊपर वाले में सब में टेन टेन का गैप है, नीचे वाले में फाइव फाइव का, तो ए नॉट इक्वल्स टू बी आ जाएगा, तो इसका सिंपल सा आंसर आ गया कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, आर यू आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, हम रीजन देना है कि ये सेट इक्वल है कि नहीं है। अब ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करके ही होंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर फाइव राइट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास लिखा है ए की जो एलिमेंट्स है वो टू और फाइव, अब जो b रहता है उसको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो फैक्टर बनाए थे रफ में, तो ये आ गया थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, एक्स आ गया बाहर एक्स प्लस थ्री और टू आ गया बाहर तो एक्स प्लस थ्री, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस टू,
तो अब एक्स की वैल्यू -3 आएगी और -2, तो बी के पॉइंट्स के आगे -3 -2, तो इससे पता क्या लगता है हमें, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, बी के बराबर नहीं है। तो इसी का जो ये फर्स्ट पार्ट था इसी का ही सेकंड पार्ट रहता है। तो सेकंड पार्ट में लिखा है कि, तो नेक्स्ट पेज जो सेकंड पार्ट है इसका वो हमारे पास लिखते हैं सेकंड पार्ट में, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो ए वाला फॉलो लिखा, तो बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो ए के जो आ जाएगा वो क्या आएगा, एफ ओ एल डब्ल्यू, हमें लास्ट बार फॉर्म में बनाना है, एफ लिखा ओ दो बार था तो एक बार, एल एक बार था तो एक बार, और डब्ल्यू भी एक बार, तो बी के आगे डब्ल्यू ओ एल एफ। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि बराबर है एल एफ ओ एल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी है, ओ भी है, एल भी, एफ भी है, तो ए इक्वल्स टू बी। तो क्वेश्चन ये भी हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें जस्ट बताना है कि वो सेट है या नहीं है, कि कौन से सेट पेयर में आते हैं, तो हमें पेयर चेक करना है। तो हम सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो इक्वल सेट रहते हैं हमारे पास कौन कौन से, तो हमारे पास 2 4 8 12, तो चेक कर लेते हैं 2 8 4 12 है किसी में, नहीं है, 1 2 3 4, तो 3 1 4 2, तो जो बी जो है वो किसके बराबर है, डी के। और देख लेते हैं, ये वाला भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास -1 और 1 है, तो 1 और -1 है, तो ई और जी आ गया। हम लिखेंगे कैसे, बी इक्वल्स टू इसको लिख लेंगे, बी इक्वल्स टू डी, एफ इक्वल्स टू जी, और हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं रहता, तो हमारी इसी के साथ 1.2 भी ओवर हो जाती है। थैंक यू।